What is a cooperative society? Cooperative society क्या है? Cooperative society एक voluntary association होता है लोगों का, जो अपने छोटे-छोटे saving invest करके cooperative society form करते हैं. Cooperative society एक ऐसी organization है, जो अपने members के mutual benefit के लिए establish की जाती है. Members यानी वो लोग जो अपने छोटे-छोटे saving को invest करके cooperative society को form करते हैं. Cooperative society इन members के mutual benefit के लिए, उनके common goal के लिए काम करती है. यानी cooperative society का मकसद यही होता है कि सभी को benefit मिले, सभी members को benefit मिले cooperative society से. Cooperative society form करने का objective ही यही होता है कि एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे को support किया जाए. For example, farmers cooperative society. इस तरह की सोसाइटी जो है सभी फार्मर्स मिलके फॉर्म करते हैं, ताकि सब जो है मिलके काम कर सके और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा सके, लार्ज स्केल ऑपरेशन का फ़ायदा उठा सके. जब सब फार्मर्स साथ में आके एक साथ रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे, तो उनको रॉ मटेरियल्स सस्ते गिरेंगे, क्योंकि अगर वो सारे साथ में आके परचेज करते हैं रॉ मटेरियल्स, तो उनको काफ़ी डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में बाई करते हैं, तो उनको एक बेटर डील मिल सकती है, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है. वैसे ही जब सब फार्मर्स साथ में मिलके अगर अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, तो वहाँ पे भी उनको एक अच्छा प्राइस मिलेगा. बेचने के टाइम भी जो है वो अच्छा खासा प्राइस बार्गेन कर सकते हैं. तो रॉ मटेरियल्स खरीदने के टाइम भी वो अच्छा बार्गेन कर सकते हैं, और प्रोडक्ट्स को बेचने के टाइम भी जो है अच्छा बार्गेन कर सकते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 10 लोग की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर जो है कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जितने मेंबर्स चाहे उतने मेंबर्स ले सकती है. नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है. टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. फर्स्ट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से बल्क में खरीदती है, लार्ज क्वांटिटीज़ में खरीदती है, और फिर वो प्रोडक्ट्स या गुड्स को जो है अपने मेंबर्स को रिजनेबल रेट में बेचती है और स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचती है. तो इस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ये है कि उसके मेंबर्स को जो है मार्केट रेट से कम रेट में जो है गुड्स मिलेंगे. इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर प्रॉफिट करती है, तो उसमें से मेंबर्स को बोनस दिया जाता है. तो मेंबर्स को जो है अलग अलग गुड्स जो है रीजनेबल रेट में भी मिलते हैं, और बोनस भी मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में से. क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपने मेंबर्स को जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके. इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने मेंबर्स को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है, जब भी किसी मेंबर को रिक्वायरमेंट हो लोन की. क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करती है. वो अपने मेंबर्स को जो है टैक्सी, रिक्शा एक्सेट्रा बाई करने के लिए लोन देती है. तो इस तरह से अपने मेंबर्स के लिए वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है जनरेट करती है. काफ़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप की सोसाइटी आप देख सकते हैं. गवर्नमेंट कंपनीज़ में एम्प्लॉय सब मिलके इस तरह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश करते हैं. अगर किसी एम्प्लॉय को लोन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो है क्विकली और इजीली लोन ले सकता है. एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ किए बिना जो है लोन मिल जाती है इस तरह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से. सभी एम्प्लॉयज़ के सैलरी में से एक छोटा सा पार्ट कट के जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में डिपॉजिट हो जाता है. इस टाइप की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस तरह से फंड्स मिलते हैं, जिसको यूज़ करके एम्प्लॉयज़ को ये क्रेडिट सोसाइटी लोन देती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. इस तरह की क्रेडिट सोसाइटी सभी फार्मर्स मिलकर एस्टेब्लिश करते हैं. इसके मेंबर्स जो है अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है जॉइंटली परफॉर्म करते हैं. साथ में मिलके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का फ़ायदा ये है कि वो मॉडर्न और साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शायद वो अकेले अफोर्ड ना कर पाए.
प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटी जो है स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स फॉर्म करते हैं। ये सोसाइटी जो है अपने मेंबर्स को मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करती है ताकि वो जो है बड़े प्रोड्यूसर्स से कॉम्पीट कर सके। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटी जो है अपने मेंबर्स को मार्केटिंग में हेल्प करती है, असिस्ट करती है। इसके जो मेंबर्स है वो अपने प्रोडक्ट्स जो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू सेंट्रली बेचते हैं। ऐसी सोसाइटी जो है अपने मेंबर्स के बिहाफ पे सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती है, जैसे कि स्टैंडर्डाइजिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सोसाइटी जो है तब फॉर्म होती है जब कुछ लोग मिलकर एक पीस ऑफ लैंड बाय करते हैं और उस पर जो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं। सभी मेंबर्स मिलके जो है ज़मीन का एक टुकड़ा बाय करते हैं और उस पर जो है एक रहने का रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। फ्लैट्स जो है उस बिल्डिंग के सभी मेंबर्स को अलॉट किए जाते हैं।